हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आओ बातें करें। दोस्तों, आज मैं आपको टीथ पार्ट्स और टीथ कंडीशंस या टीथ प्रॉब्लम और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टीथ से जुड़ी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, हमारी बॉडी में हार्डेड सब्सटेंस है हमारे टीथ यानी दांत। टीथ चबाने के साथ साथ बोलने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये चार टाइप्स के होते हैं, इनसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, और इनके फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज जानते हैं टीथ पार्ट्स के बारे में। इसमें सबसे पहले आता है इनेमल। इनेमल दांत के हार्डेस्ट व्हाइट आउटर पार्ट को बोलते हैं। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट और रॉक हार्ड मिनरल का बना होता है। नेक्स्ट इज डेंटाइन। इनेमल के नीचे वाले लेयर को डेंटाइन बोलते हैं। डेंटाइन हार्ड टिश्यू होते हैं जिनमें माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं। जब इनेमल डैमेज हो जाता है तब ठंडा या गर्म दांत में डेंटाइन के थ्रू ही एंटर करता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी या पेन होता है। अब बात करते हैं पल्प की। पल्प बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, ये दांत के इनर स्ट्रक्चर में होता है। नर्व्स और ब्लड वेसल पल्प के थ्रू ही रन करते हैं। नेक्स्ट इज सेमेंटम। सेमेंटम कनेक्टिव टिश्यूज की एक लेयर होती है जो दांत के रूट को गम्स और जॉबोन से बांधने का काम करती है। नाउस पेरियोडेंटल लिगामेंट। पेरियोडेंटल लिगामेंट एक टिश्यू होते हैं जो टीथ को जो के अगेंस्ट टाइटली पकड़ने का काम करते हैं। तो ये हैं सारे दांत के पार्ट्स। हमारे एक दांत के इतने सारे पार्ट्स होते हैं और एक नॉर्मल एडल्ट को टोटल 32 दांत होते हैं जो 13 की एज तक लगभग आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इनमें कौन से इंसीजर हैं, कौन से केनाइन हैं और कौन से प्रीमोलर या मोलर हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरे टाइप्स ऑफ टीथ वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारे दांतों में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और उनके ट्रीटमेंट क्या है। तब तक के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें। थैंक यू।